स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स. ओके, देयर आर सम ट्राइबल कम्युनिटीज हु डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवहुड. यहाँ पे देखिए, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो टोटली डिपेंड है अपनी लाइवहुड के लिए किस पे, एनिमल्स पे डिपेंड है ना. द स्नेक चार्मर्स मेक द स्नेक डांस टू द ट्यून ऑफ देयर लॉन्ग गॉड फ्लूट Being the practice of catching snakes and training them to perform has traditionally been passed from one generation to another. For generation, it has provided an important means of support to the families of their communities. यहाँ देखिए बच्चों, ये कुछ tribal communities हैं जो totally किस पे depend हैं? Animals पे. उनका source of income कहाँ से होता है? एनिमल्स से मिलता है ना उनको, क्योंकि वो जानवर को पालते हैं और उनको ट्रेंड करते हैं. एनिमल्स को पालने के बाद उनको ट्रेंड करते हैं, फिर वो अपना दिखा किसी शो में ले जाएंगे, उसको दिखाएंगे, तो उससे उनको क्या होता है, वो उससे कुछ उनका जो है अर्न होता है मनी, ठीक है, जिससे वो अपनी अपना जो है जीवन यापन करते हैं. ठीक है, उनका बस यही एक जरिया है, एनिमल्स को पालना है और उसको ट्रेंड करना है, और उसके बाद उससे जो भी पैसा अर्न करते हैं तो उससे उनका घर चलता है. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, स्नेक को पालते हैं, फिर ट्रेन करते हैं, बीन बजाते हैं ना, सपेरा जो है बीन बजाएगा और स्नेक जो है निकल के उस जो पोटली में रखे रहते हैं तो फिर आता है ना, तो लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए, है ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना देखने के लिए, स्नेक है चलो देखते हैं, फिर उस क्या होता है, बदले में देखने के बाद क्या देते हैं, पैसा दे देते हैं ना. ऐसे ही मदारी भी देखो, बंदर का डांस जो है दिखाता है ना, डांस को देखने के बाद क्या होता है, लोग जो इकट्ठा होते हैं पैसा देते हैं ना, तो ऐसे ही वो उनका क्या है, ये है सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे ही वो इनकम करते हैं, ये है उनका कमाने का जरिया, है ना, समझ में आया. तो ऐसे ही वो लोग जो है किस पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है ना, उनका कमाने का जरिया क्या है, एनिमल्स है, एनिमल्स को पालते हैं और उसको ट्रेंड करते हैं और उसी से वो क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं. वेरी गुड, थैंक यू.